वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज 500 वाट का ट्रांसफार्मर बताएंगे जो कि 130 वोल्ट में काम करेगा। 300 वोल्ट तक ये वर्क करेगा, ठीक है। और ये है आपका स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर, जो कि इसको इससे आप फ्रिज को चला सकते हैं आसानी से। यानी कि ये फ्रिज का ट्रांसफार्मर डेटा है जो 500 वाट का है, 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट में वर्क करेगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग चलेंगे इसके वाइंडिंग की तरफ। दोस्तों, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो न्यूट्रल से हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपको प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ तक होगा और यहाँ पे हम लोग जो वाइंडिंग करेंगे 140 वोल्ट के लिए करेंगे, ठीक है। 140 वोल्ट के लिए करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो वायर रहेगा 25 HWG रहेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे 840 टर्न्स आपको लेने होंगे, ठीक है। दोस्तों, 840 टर्न्स कैसे आए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम लोग कोर की तरफ चलेंगे। कोर इसमें जो है 3 नंबर का कोर इसमें यूज किया गया है, देख सकते हैं 3 नंबर का कोर यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पर 3 नंबर कोर यहाँ पे यूज किया गया है, देख सकते हैं। और इसकी जो साइज रहेगी 1.5 इंच ही रहेगा, ठीक है। 3 नंबर कोर 1.5 इंच का जो एरिया होगा, यानी कि कोर जो होता है डिफॉल्ट में इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये रहेगा 1.25 रहेगा, और इसकी लंबा गहराई जो है लंबाई इसको हम लोग जो है कि चौड़ाई को अपने हिसाब से इसको अप डाउन करते रहते हैं। तो ये आपका 1.25 रहेगा आपका जो ट्रांसफार्मर कोर है 3 नंबर का, और उसे चौड़ाई हम लोग लेंगे 1.5 इंच, और वाइड को हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1.875 यहाँ पे आपका कोर एरिया आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्वायर इंच कोर एरिया, ठीक है। और दोस्तों, TPB निकालने के लिए 745 को फॉर्मूला लेंगे और डिवाइड कर देंगे 1.875, ठीक है। उसके TPB आ जाएगी 4, TPB आ जाएगी 4, यानी 4 से जो है हम लोग को सभी वाइंडिंग के लूप को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ 12 वोल्ट के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 48 टर्न हम लोग लेट पेटना पड़ेगा। और रिले के हिसाब से यहाँ पे वायर लगाएंगे तो हम लोग 28 HWG वायर देंगे। दोस्तों, ये आपका चला जाएगा रिले के सप्लाई के लिए, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी का वाइंडिंग यहाँ तक यहाँ जो होगा हम लोग 25 नंबर का तार लेंगे। अब दोस्तों, इसमें जो है कि 840 टर्न कैसे आएगा, इसके लिए कैलकुलेटर कम यहाँ पे यूज करेंगे, देख सकते हैं ये कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर कम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 जो TPB था मल्टीप्लाई कर देंगे 40 वोल्ट से, देख सकते हैं 40 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका 560 टर्न हम लोग यहाँ लपेटने होंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अधिक लपेटे हैं, क्यों लपटे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मार्जिन लेना पड़ता है। ये मिनिमम आपका जो 140 से काम करें, मैक्सिमम यहाँ पर 210 वोल्ट से काम करेगा। तो यहाँ पर 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, या फिर इसमें हम लोग 1.5 का मार्जिन ले लेंगे, कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो 840 टर्न यहाँ पर हम लोगों को लपेटना होगा, ठीक है। या फिर कर सकते हैं 210 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 1.5 मार्जिन ले लेंगे, 40 वोल्ट 210 वोल्ट होगा, सो कैसा होगा समझ लेते हैं हम लोग। 40 वोल्ट और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 210 वोल्ट आया, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 840 टर्न यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तक आपको 30 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। 30 वोल्ट का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना TPB था, 4, 120 टर्न यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1.5, 180 टर्न हम लोग यहाँ पे लपेटना होगा, ठीक है। 180 टर्न लपेटना होगा, फिर आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 30 वोल्ट का डिफरेंस है, यहाँ से भी 30 वोल्ट का डिफरेंस है। तो सेम ही हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ला कर रख देंगे, ठीक है। तो सेम आपका वहाँ पर वाइंडिंग होगा। और दोस्तों, यहाँ का मीटर आपको जीरो करना है, जब आपको प्राइमरी लिपट आ जाएगा, सेकेंडरी के बाद में यहाँ से मीटर आपको जीरो करना है, ठीक है। 70 वोल्ट के लिए आपको 180 टर्न लपेटना होगा, फिर मीटर को जीरो करके 22 नंबर का तार आपको लेना होगा। दोस्तों, इसमें आपका लोड रहेगा, ठीक है, इसमें आपका लोड रहेगा। तो लोड इसमें रहेगा, तो आपको जो है कि यहाँ पे आपको लोड के हिसाब से 22 नंबर का तार आता है, ठीक है।
ने बता रहा था कि 2 एम्पियर का वायर है, तो आपको 2 एम्पियर मल्टीप्लाई आपका जो है 200 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट पर वर्क करता है, 200 मान लीजिए, तो ये आपका जो है 400 वाट तक ये आपका ट्रांसफार्मर काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 500 वाट दिया है ये 500 VA में आपका काम करेगा, लेकिन दोस्तों कंपनी 500 वाट किसको कहती है, ठीक है। तो इसमें वायर कितने लग जाएंगे इसके बाद समझ लेंगे। इसमें आपको जो वायर टोटल आपका 300 ग्राम इसमें वायर लग जाएंगे, ठीक है, कॉपर का 300 ग्राम। दोस्तों इसमें रिले कनेक्शन करना कैसे करना है समझ लेते हैं हम लोग। तो रिले कनेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिले का जो कनेक्शन ले लेंगे यहाँ पे NC, NO और कॉमन आपका कनेक्शन रहेगा रिले का, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और सेम ऐप पर NC रहेगा, NO रहेगा और कॉमन रहेगा, इसी तरह कनेक्शन करना है। तो NC का कनेक्शन डायरेक्टली इसमें हो जाएगा, देख सकते हैं, और इसका NC का 200 कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 200 का हो जाएगा, 170 का कनेक्शन इसमें हो जाएगा, तो वो सभी तार लग जाएं। और 200 का तार का यहाँ से एक और कनेक्शन निकलेगा आपका NO में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इनपुट हो गया, यहाँ से आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है आप रिले कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपका 2 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट मिलता है बाज़ार में अवेलेबल, उसे आप बना सको। मेरे वीडियो के सलाह कॉमेंट्स में बताइएगा, साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।